नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं उनका अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जैविक चिकित्सा कचरा प्रबंधन। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम एक बार नज़र डालते हैं हमारे कंटेंट्स पर कि इस वीडियो में हम किस किस पे चर्चा करेंगे। पहला जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट का वर्गीकरण, तीसरा WHO द्वारा क्या कहा गया और कौन कौन से नियम बनाए गए, चौथा इसका समाधान क्या है, पांचवा बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन करने से पहले हमको क्या क्या करना है, सिक्स्थ बायोमेडिकल वेस्ट का जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, सातवा बायोमेडिकल वेस्ट का जब हम प्रबंधन करते हैं तो उसके चरण कौन कौन से हैं, स्टेप्स कौन कौन सी है, आठवां जब बायोमेडिकल वेस्ट को हम सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं, तो उनको किन किन कलर कोड कंटेनर्स में हम डालते हैं, उन कलर कोड कंटेनर्स की लेबलिंग कौन से साइन द्वारा की जाती है, बायोमेडिकल वेस्ट के कंपोनेंट्स यानी भाग कौन कौन से हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को जब हैंडलिंग करते तो हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसको हम डूज एंड डोंट्स कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को जब डिस्पोज करते हैं तो किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, साथ के साथ क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने जब हम बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते हैं। इसी के साथ हम हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड मेडिकल सोर्सेज एंड एक्टिविटीज सच एज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। प्रोड्यूसर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट आर हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज। बायोमेडिकल वेस्ट आर पोटेंशियली इन्फेक्शियस एंड हैजार्डस। ये जो डेफिनेशन दी गई, परिभाषा दी गई, ये बायोमेडिकल रूल एंड मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2016 के अंतर्गत दी गई है। बायोमेडिकल वेस्ट वह मेडिकल वेस्ट होता है जब हम किसी मरीज पर इलाज करते हैं तो और उसका डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं बीमारियों का, तब जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, उसको हम जैविक चिकित्सा कचरा कहते हैं, जो ज़्यादातर अस्पतालों से, नर्सिंग होम से और क्लिनिक से निकलता है। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है ये बहुत हानिकारक होता है और साथ के साथ संक्रामक भी होता है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट जो जैविक चिकित्सा कचरा है वो सामान्य कचरे से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर देखें तो वो इन्फेक्शियस होता है, संक्रामक होता है, साथ के साथ वो बायोलॉजिकल और मेडिकल सोर्सेज, जैसे हम कोई भी मरीज पर इलाज करते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान जब वेस्ट वगैरह निकलता है, मान लिया ड्रेसिंग का हुआ या एनाटॉमिकल वेस्ट हुआ, वो उन सारे सोर्सेज से जनरेट होता है। और जो एक सामान्य कचरा होता है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, गैर संक्रामक होता है और ये हाउस होल्ड से निकलता है, ज़्यादातर हमारे घरों से निकलता है, तो ये ज़्यादा संक्रामक नहीं होता है तुलना करें तो बायोमेडिकल वेस्ट के। बायोमेडिकल वेस्ट का वर्गीकरण किया गया है नॉन हैजार्डस यानी गैर संक्रामक, हैजार्डस यानी संक्रामक। जो गैर संक्रामक होता है वो 75 से 90% होता है और हैजार्डस जो होता है यानी संक्रामक, हानिकारक, वो 10 से 25% होता है। अब इस हैजार्डस को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, इन्फेक्शियस जो 15 से 18% होता है और अदर हैजार्डस जो 5 से 7% होता है। तो हम बात करते हैं कि इन्फेक्शियस के अंदर क्या आता है। नॉन शार्प ऑब्जेक्ट्स आती है, शार्प ऑब्जेक्ट्स आती है, प्लास्टिक डिस्पोजेबल आते हैं, लिक्विड वेस्ट आते हैं। अदर हैजार्डस में रेडियो एक्टिव वेस्ट आते हैं, जैसे यूरेनियम हुआ या फिर कोई सीटी स्कैन वगैरह एक्सरे करते हैं तो उसका कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूट जाता है, कीमोथेरेपी का रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, डिस्कार्डेड ग्लास होते हैं जो हम प्रक्रिया करते हैं मरीज पे, तो जैसे कोई पिपेट वगैरह हुई, प्रेशराइज कंटेनर्स हुए, केमिकल वेस्ट हुए, कोई रसायन हुआ, साइटोटॉक्सिक वेस्ट हुआ या फिर कोई इंसिनरेशन एस हुआ जो भस्मीकरण में किया जाता है। अब इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम्स इन विच कैटेगरी।
रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होता है कौन सी कैटेगरी में आता है, ए हैजार्डस, बी नॉन हैजार्डस, सी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हैजार्डस। अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है कि जो रेडियोएक्टिव वेस्ट होता है वो हैजार्डस के अंदर आता है जो 5 से 7% है। इसका कारण क्या है, एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम पोलोनियम हैव हाई रेडिएशन इंटेंसिटी विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट अवर CNS में लीड टू ब्रेन ट्यूमर इंसोमिया लाइक डिजीजेज। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जब खुले वातावरण में छोड़ दिए जाते हैं तो इनकी रेडिएशन इतनी हानिकारक होती है कि जो हमारे डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र पर असर करती है जिसको हम CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, जिससे ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा है, इंसोमिया यानी नींद न आने की बीमारी का भी खतरा है। फैक्ट शीट्स बाय WHO, WHO ने इसके बारे में क्या कहा है, ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय हेल्थ केयर एक्टिविटीज अबाउट 85% इज जनरल नॉन हैजार्डस वेस्ट। WHO ने कहा है कि जो वेस्ट जनरेटेड होता है हेल्थ केयर एक्टिविटीज से उसका 85% जो होता है वो नॉन हैजार्डस यानी गैर संक्रामक होता है, जो 15% बचा जाता है वो हैजार्डस मटेरियल होता है जो इन्फेक्शियस होता है, संक्रामक होता है, टॉक्सिक जहरीला होता है और रेडियो एक्टिव यानी रेडियो धर्मी होता है। एवरी ईयर एन एस्टिमेटेड 16 billion इंजेक्शंस आर एडमिनिस्टर्ड वर्ल्ड वाइड बट नॉट ऑल ऑफ द नीडल्स एंड सिरिंजेस आर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ आफ्टरवर्ड। हर साल 16 billion इंजेक्शंस जो है लगाए जाते हैं पूरे विश्व में, उनमें से बहुत सारी जो नीडल्स और सिरिंजेस होती है उनका प्रॉपरली डिस्पोजेबल नहीं होता है। ये जो आंकड़े बताए गए हैं WHO ने बताए। हेल्थ केयर वेस्ट कंटेंस पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन इन्फेक्ट हॉस्पिटल पेशेंट्स, हेल्थ वर्कर्स एंड द जनरल पब्लिक। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उनमें बहुत ही पोटेंशियली हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हॉस्पिटल पेशेंट के साथ साथ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स, जैसे डॉक्टर्स हुए, पेशेंट्स हुए, नर्सेज हुई, उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ जनरल पब्लिक जो अटेंडर्स वगैरह हैं उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं ये। इसका समाधान क्या है दोस्तों, इसका समाधान ये है कि चेंज एटीट्यूड एंड माइंडसेट। हमको हमारा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, हमारा दृष्टिकोण और हमारा जी सोच है वो बदलना पड़ेगा, साथ के साथ हमको उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब जब हम कचरे का प्रबंधन करते हैं उसके पहले हमको क्या करना है, द बेसिक एलिमेंट्स आर। अब इसमें हम किन किन बिंदुओं को ध्यान देंगे कचरे का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करने से पहले, रिकॉग्नाइज वेस्ट यानी कचरे को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई वेयर वेस्ट हैज बीन जनरेटेड, उस जगह को आइडेंटिफाई करेंगे जहां से वेस्ट जनरेट हुआ है, डिटरमाइंड कोज उसका कारण पता करेंगे, प्लान करेक्टिव एक्शन उस कचरे को कैसे डिस्पोज करना है, कैसे उसका प्रबंधन करना है उसकी हम योजना बनाएंगे और जो कारण है उसको हम एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कचरे का जो प्रबंधन है वो करते वक्त हम क्या क्या उसका एडवांटेज देख सकते हैं, इकोनॉमिक रिडक्शन ऑफ वेस्ट जनरेटेड, इफिशियंट कलेक्शन एंड साइंटिफिक हैंडलिंग, नो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू स्टाफ, नो रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट। इससे हमारी जो इकोनॉमिक जो है वो भी रिडक्शन हो जाएगी, साथ के साथ इफिशियंट कलेक्शन हो जाएगा एंड साइंटिफिक हैंडलिंग, नो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू स्टाफ, नो रिसाइकलिंग। बायोमेडिकल वेस्ट का जब हम मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे, तो उसके चरण कौन कौन से, किन चरणों के माध्यम से हम उसका डिस्पोज करेंगे। पहला है उसको सेग्रीगेट करेंगे हम, दूसरा उसका स्टोरेज करेंगे, सेग्रीगेट यानी उसको सेपरेट करेंगे अलग अलग कंटेनर्स में, अलग अलग बैग में, फिर उसका भंडारण करेंगे, स्टोरेज करेंगे, कलेक्शन यानी उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको एक जगह कलेक्ट करेंगे हॉस्पिटल में, वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बायोमेडिकल वेस्ट हैजार्ड की वैन होगी वो वैन उन बैग्स को कैरी करेगी और एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ट्रीटमेंट प्लांट के वहां ले जाएगी, फिर उसके बाद उसको वहां पर जाके डिस्पोज करके रिसाइकल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट का, जब मैनेजमेंट करते हैं तो उन कचरों को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट को किन किन डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स में डाला जाता है।
एक तरफ दिया है कलर कोडिंग, उसके बाद है किस बैग में उसको डालते हैं और उसको क्यों यूज किया जाता है, वेस्ट की कैटेगरी क्या होती है, कौन सा कचरा कौन से कंटेनर में डाला जाता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं येल्लो की। येल्लो टाइप ऑफ बैग जो यूज करते हैं प्लास्टिक बैग, और उसके अंदर हम कौन सी कैटेगरी का वेस्ट डालते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो प्लेसेंटा या फिर हम कह सकते हैं जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो जो ह्यूमन का बॉडी पार्ट होता है वो येल्लो के अंदर डालते हैं, साथ के साथ साइटोटॉक्सिक ड्रग, माइक्रोबायोलॉजी और लेबोरेटरी वेस्ट को भी हम येल्लो में डालते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, हम इसका इंसिनरेशन करते हैं, साथ के साथ डीप ब्यूरल करते हैं। इंसिनरेशन का मतलब होता है भस्मीकरण, डीप ब्यूरल का मतलब उसको गहरा खड्डा खोद के उसमें डाला जाता है। रेड, रेड के अंदर कौन सा वेस्ट आता है, रेड के अंदर दोस्तों जो आता है वो आईवी ट्यूबिंग्स आती है, बोटल्स आती है। रेड जो आया है, रेड का मतलब होता है लाल, लाल जो शब्द आया लचीला, मतलब जो भी लचीला होगा, जैसे वो आईवी सेट हुआ या फिर जो ट्यूब हुई बोटल हुई वो लचीले होते हैं, उनको हम रेड में डालेंगे। इनका उपचार क्या है, ऑटोक्लेव करेंगे, माइक्रोवेविंग करेंगे, फॉलोड बाय श्रेडिंग। श्रेडिंग का मतलब उनको कतरन करेंगे, कागज के टुकड़ों की तरह उनको कट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन, बहुत सी बार स्टरलाइज भी करना पड़ता है। व्हाइट जो होता है वो पंचर प्रूफ होता है, लीक प्रूफ होता है, उसके अंदर हम शार्प ऑब्जेक्ट डालते हैं, खासकर जो नीडल्स होती है उसको डाला जाता है। इसका उपचार क्या है, ऑटोक्लेव करते हैं और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन फॉलोड बाय श्रेडिंग। श्रेडिंग का मतलब होता है कतरन, उसको छोटे छोटे भागों में काटना। ब्लू में हम कार्डबोर्ड बॉक्सेस विद ब्लू कलर्ड मार्किंग्स, वेस्ट कैटेगरी इसमें जो डाला जाता है वेस्ट, वो ब्रोकन डिस्कार्डेड कंटेमिनेटेड ग्लास होता है, इंक्लूडिंग मेडिसिन वाइल्स एंड एम्प्यूल। मेडिसिन वाइल्स और एम्प्यूल्स और ब्रोकन ग्लास होते हैं, उनको हम इसमें डालते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, डिसइंफेक्शन करेंगे, देन थ्रू ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग। ब्लैक के अंदर, जो ब्लैक के अंदर होता है वो हाउस होल्ड कचरा होता है, हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, जैसे किचन वेस्ट हुआ, पेपर हुआ या कोई जनरल वेस्ट हुआ, उसको ब्लैक के अंदर डालते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है उसको हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट में, कि उसको बड़ा कहीं खड्डा खोद के वहां पर डिस्पोज कर देते हैं। अब इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल मेथड फॉर ह्यूमन वेस्ट इज ए इंसिनरेशन, बी डीप ब्यूरल, सी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दीज। जो इसका ह्यूमन वेस्ट का ट्रीटमेंट है, डिस्पोजेबल का जो मेथड है वह है इंसिनरेशन और डीप ब्यूरल। जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है सी ए एंड बी बोथ। हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है कि जो ह्यूमन वेस्ट जिसको हम येलो कंटेनर में डालते हैं उसका ट्रीटमेंट इंसिनरेशन और डीप ब्यूरल है। कारण क्या है, दीज बोथ मेथड्स हैव राइट वेज ऑफ डिस्पोजेबल फॉर ह्यूमन वेस्ट एज द प्रोसेस फॉलोज स्टेप बाय स्टेप। इन्हीं तरीकों द्वारा हम ह्यूमन वेस्ट को सही से डिस्पोज करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर द्वारा। हम इस स्लाइड में देख सकते हैं दोस्तों कि जो बायोमेडिकल वेस्ट के जो डब्बे होते हैं उनको इसके द्वारा लेबलिंग की जाती है। तो ये जो एरो बता रखा है ये बायोमेडिकल वेस्ट हैजार्ड का साइन है। जब तक कि उन बॉक्सेस पर ये साइन नहीं होता है तो उसको बायोमेडिकल वेस्ट नहीं माना जाता है। इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न करते हैं। विच ऑफ दीज इज टर्म्ड एज बायोमेडिकल वेस्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट को कहा गया है, ए कम्युनिटी वेस्ट, बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी हॉस्पिटल वेस्ट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो सी हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट को ही हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट आर दोज वेस्ट विच आर जनरेटेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड एनी प्रोसीजर ऑफ पेशेंट केयर। किसी भी पेशेंट पर, मरीज पर जब हम प्रक्रिया करते हैं उस प्रक्रिया से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं, जैसे वाउंड ड्रेसिंग हुई। बायोमेडिकल वेस्ट के कंपोनेंट्स क्या है, उनके भाग क्या है, उनको तीन में बांटा गया है, सॉलिड, ठोस, बी शार्प नुकीले, सी लेबोरेटरी वेस्ट। सॉलिड में क्या क्या आते हैं, जैसे कैथेटर ट्यूब्स हुई, डिस्पोजेबल मास्क हुए, मेडिकल ग्लव्स हुए, वाउंड ड्रेसिंग्स हुई, ये सब सॉलिड में आते हैं। शार्प में ब्लेड हुई, निडल हुई, प्लास्टिक पिपेट्स हुई, ग्लास स्लाइड्स हुई,
लेबोरेटरी वेस्ट में क्या आते हैं, हैजार्डस केमिकल आते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय पौधे। अब हम बात करते हैं कि जब बायोमेडिकल वेस्ट को हम हैंडलिंग करते हैं तो हमको क्या क्या करना है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल इट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व्ड इन हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एट द टाइम ऑफ इंडक्शन एंड देयर आफ्टर ऑन नीड बेसिस। बायोमेडिकल वेस्ट की ट्रेनिंग दी जाती है ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कि उसको किस तरह से सेफ हैंडलिंग करनी है। Establish a barcode system for bags or containers containing biomedical waste to be sent out of the premises. मतलब जब भी उस biomedical waste को जैविक चिकित्सा कचरे को आप hospital के बाहर treatment plant पर भेजेंगे उससे पहले उन पर barcode system लगा दिया जाता है जिससे कि उनको आसानी से segregate किया जा सके। Ensure occupational safety of all its healthcare providers and others involved in handling of biomedical waste by providing appropriate and adequate personal protective equipment. Personal protective equipment यानी gloves, mask पहनकर ही आप उनको handle करेंगे। Immunize all its healthcare providers and providers involved in handling of biomedical waste for protection against diseases like hepatitis B. बहुत सी बार क्या होता है जब biomedical waste को हम handle करते हैं तो सुई वगैरह चुभ जाती है, तो उन सारी चीजों से बचने के लिए हमको immunize यानी वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, टीकाकरण कराना जरूरी है, ताकि जिस तरह से उदाहरण के तौर पे दे रखा है कि हमको कहीं सुई वगैरह चुभ जाए, नीडल स्टिक इंजरी हो जाए तो हेपेटाइटिस बी होने का खतरा बढ़ जाता है, तो उससे बचने के लिए हमको वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण कराना जरूरी है। एस्टेब्लिश अ सिस्टम टू रिव्यू एंड मॉनिटर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बाय यूजिंग ऑडिट टूल एंड अ पर्सन शैल बी डेजिग्नेटेड फॉर द सेम। आप बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वो जो भी हैंडलिंग कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज को आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है, साथ के साथ एक पर्सन को अलर्ट करना है कि वो उनको सही से देखरेख करे। मेंटेन एंड अपडेट ऑन डे टू डे बेसिस द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रजिस्टर। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रजिस्टर होता है उसको डे टू डे आपको क्या करना है, अपडेट करना है, यानी उसमें रोज का रोज लिखना है कि इतना कचरा आज निकला है, इतना कचरा सेग्रीगेट किया गया, इतना डिस्पोज किया गया है। ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी ऑफ ग्लव्स एंड मास्क व्हाइल हैंडलिंग द वेस्ट। आपको अच्छे क्वालिटी ग्लव्स और मास्क पहनने हैं उनको हैंडलिंग करते वक्त। वॉश हैंड्स वेरी केयरफुली आफ्टर हैंडलिंग द वेस्ट। जब भी आप किसी भी प्रक्रिया को करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ धोने हैं अपने। अब बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडलिंग करते हैं के दौरान आपको क्या नहीं करना है। Never touch handle waste with bare hands. आपको हमेशा gloves पहनने हैं। कभी भी आप नंगे हाथों द्वारा आप उस waste को touch नहीं करेंगे क्योंकि साथ के साथ वो संक्रामक भी होता है और उसमें कुछ नुकीले पदार्थ भी होते हैं, नुकीले चीजें होती है, रासायनिक पदार्थ होते हैं जिससे कि आपके हाथ संक्रामक हो सकते हैं या चोट लग सकती है। Never recap used syringe. Most needle pricks injury are incidental to recapping. जब भी आप इंजेक्शन लगाएंगे तो इंजेक्शन लगाने के बाद वापस से उस इंजेक्शन के ऊपर केप नहीं लगाएंगे, उससे नीडल प्रिक इंजरी यानी सुई चुभने का खतरा बढ़ जाता है। डू नॉट कीप म्युनिसिपल वेस्ट इन बायोमेडिकल वेस्ट सेंट्रल कलेक्शन पॉइंट्स। जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसको आप सेग्रीगेट करोगे बायोमेडिकल वेस्ट से। हमको जब बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करेंगे तो डिस्पोज करने के दौरान हमको किन किन बिंदुओं को याद में रखना है। नेवर फिल सैक्स नॉट मोर देन 3/4। जो भी आप बैग होंगे उनको 3/4 तक ही भरेंगे, उससे ज्यादा नहीं भरेंगे। सिक्योर सैक्स विद ए प्लास्टिक टाई सील बीन्स बिफोर रिमूविंग फ्रॉम लैब। सैक्स जो होंगे, कट्टे जो होंगे, जो भी बैग होंगे उनको आपको सील करना है उसमें कचरा भरने के बाद। ऑलवेज यूज अ बारकोड लेबल एंड कंप्लीट योर लेबल रिकॉर्ड शीट। हमेशा उन पर आप टैग लगाएंगे, बारकोड लेबल लगाएंगे। प्लेस इन अप्रूव्ड होल्डिंग लोकेशन। हर हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट को रखने के लिए एक अप्रूव्ड लोकेशन होती है, वहां पर ही आप बायोमेडिकल वेस्ट को रखेंगे। सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी क्या क्या सावधानियां रखनी है जब आप उसको डिस्पोज करेंगे। ऑल कैटेगरीज ऑफ पर्सनल शुड बी मेड अवेयर एंड ट्रेंड। जो भी व्यक्ति उस बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडलिंग और डिस्पोज करने में है, जो भी टीम है उसको आप ट्रेंड करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स ग्लव्स, कैप्स, मास्क, गम बूट्स एंड एप्रॉन्स टू बी वर्न।
जब भी उसकी हैंडलिंग करेंगे, डिस्पोज करेंगे, तो आपको जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण है, उनको पहनना है। प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन टू स्टाफ अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी एंड टेटनस। जो भी टीम में मेंबर्स शामिल हैं उस कचरे को डिस्पोज करने के लिए, उन सारे टीम मेंबर्स को आपको क्या करना है, टीकाकरण करना है हेपेटाइटिस बी और टेटनस के अगेंस्ट में। स्पिलेज शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड रिकरेंस प्रिवेंटेड। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी बैग है उस बैग को आप टाइटली सील करेंगे, जिससे कि जो भी उसके अंदर कचरा है वो बाहर ढुले नहीं, स्पिल ना हो। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून गाइज़।